जबलपुर सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना को लेकर लंबे समय से घोटाले हो रहे हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने अस्पताल संचालिका और डॉक्टर अश्विनी पाठक के साथ उनके अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एडिशनल एसपी गोपाल खंडेल ने बताया कि कोई भी सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल के घोटाले को लेकर सहयोग कर सकता है, सबूत पेश कर सकता है, जिनकी जांच की जाएगी और कार्रवाई होगी। जैसा कि आपको विदित है, सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल के संचालक की संचालिका और वहाँ के डॉक्टर और अन्य स्टाफ के द्वारा जो पेशेंट्स के साथ और आयुष्मान कार्ड धारकों के साथ में धोखाधड़ी की गई थी, उसके आधार पर इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण थाना लौरगंज में दर्ज किया गया है। और अभी तक डॉक्टर अश्विनी पाठक, श्रीमती द्विता पाठक और अकाउंटेंट कमलेश महतो, इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। देखिए, इसमें हॉस्पिटल के द्वारा जो भी अभी तक ट्रीटमेंट आयुष्मान कार्ड धारकों को दिए गए हैं, तो वो समस्त फाइलें हम उसको लेने का प्रयास करेंगे।